सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत ही खर्चा होता है। राम राम सा खम्मा गणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 301 रे मिने स्वागत है। तो सुन जैसा भारत रे महीने सिर्फ 10% ही लुगाया धूप उजड़े, बाकी बचेड़ी 90% तो एक दूजो भी डर जावे। कुछ लोग तो अन्याय के खिलाफ इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि वह अपने मुंह में भरा गुटका थूकना नहीं चाहते। स्टेज पर वरमाला हो रही थी तभी डीजे वाले ने गाना चला दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। रमेश कहवे, मैंने कल एक लड़की को उसके घर वालों के सामने आई लव यू बोल दिया, बड़े ही अच्छे लोग थे, वे सब मारने के बाद हॉस्पिटल भी ले गए। देखो सा, इन दारू का नुकसान तो थोनेंगो ने ठाई जे, पर उना कुछ गुण भी है। एक तो अंग्रेजी आ जावे, दूजो डांस रे महीने मायर हो जावे, और तीजो दोस्ती तरणती गहरी होती जावे, और चौथी और मेन बात, लुगई क्या मिलान बात भी कर सको। बीवी का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिनकी बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करते हैं। इन पुरुषों की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, सुंदर महिलाओं को देखकर भूल ही जाते हैं कि ये शादीशुदा है। हम जितने अंदर से स्ट्रांग होते हैं उतने बाहर से नहीं, क्योंकि जितना ठंडा पानी हम पी सकते हैं ना उतने ठंडे पानी से हम नहा नहीं सकते। रात में पति पत्नी के बीच में सबसे छोटी और खूबसूरत बात, उधर खसक उधर खसक। देखो सा, 1995 में छोरी कहती, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, और 2023 में कहवे, साजन मेरा उस पार है, जल्दी आजा वरना दूसरा तैयार है। लुगई कहवे, 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो रमेश बोले, मारे कने अमार करनी है। लुगई बोले, ठीक है तो फिर अभी मैं अपने में से इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर आप बाद में दे देना। देखो सा, सबसे मजबूत इंद्रियों वाले जीवित प्राणी चमगादड़ 1 किलोमीटर तक की आवाज सुन सकती है, बाज 1 किलोमीटर दूरी से रक्त सूंघ सकता है, और पत्नी कई किलोमीटर दूरी के बावजूद बता सकती है कि उसका पति झूठ बोल रहा है। आज का ज्ञान, प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सो जाते हैं, और विवाहित लोग रात में ताना सुनते सुनते। देखो सा, इन रेल डब्बा में जगह मन लागे कम पड़गी कई, जिको माते लिखियो है ऊरे परे मरे दरे, यू लिखियो है डब्बा में इतनी खाली जगह पड़ी है, लिख देता उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। देखो सा, एक खूबसूरत बात, रमेश शादीकरण घर पहुंचे तो सब उन्हें पूछियो, कहीं मिलियो दहेज रे महीने। कुछ देर रमेश होचरे में पड़ गो और चुप रियो, और वो लुगेरी रोनी आवाज सुनी तो उन्होंने रह नहीं गियो, और बोलियो, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने मुझे अपनी जान से प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी संतान नहीं, और उस माँ ने अपने आंचल की खेलती गुड़िया दे दी। और क्या चाहिए मुझे, कितनी ज्ञान री बात करी नी मारा में से, कभी कभी घड़ो होशियार बन जावे। राम राम से खमा गणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ, और ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।